मध्य प्रदेश के सागर में चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी गरीबी नहीं हटाई, नेहरू से लेकर न जाने कितनी सरकारें आईं और इस दौरान गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं मिटी। वहीं मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जिसकी वजह से 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस के लोग वो हैं जो नेहरू ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। अब मोदी सरकार आई है, 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर पिछले 5 वर्षों में आए हैं।